वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। लेट्स सी कल मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है और हमारे लिए क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है। कल मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि मारुति वन साइडेड ऊपर जा सकता है, कल का आप एनालिसिस वीडियो चेक कर सकते हो। आज देखोगे तो मारुति में अराउंड 7% का मूवमेंट हुआ है। ओके, इफ यू विल सी यहाँ पे 7.29% का मूवमेंट हुआ है मारुति में। ये हम लोग ने कल कैसे प्रेडिक्ट किया हुआ था फ्रेंड्स, सो डेट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट एंड EMA 8 and 20 स्ट्रेटेजी। तो ये एक एडिशनल सुपर सुपर बोनस करके स्ट्रेटेजी हम लोग ने हमारे मेंबर्स को दिया हुआ है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस स्ट्रेटेजी और इफ यू वांट टू लर्न मोर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप इंक्वायरी कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। तो बट मैंने आपको कहा था कि ये डेली टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के पहले एग्जिट होना है। ये डेली टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के पहले भी हमको 3.8 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिला था फ्रेंड्स। आई वॉज सिटिंग लॉन्ग सिंस यस्टरडे इन द मारुति एंड टुडे आई बुक द प्रॉफिट बिफोर 7:30 ऑनली। ओके, सो दैट्स ओके फ्रेंड्स, प्राइस ने ये जोन को भी ब्रेक कर दिया, दैट हैपेंस, बट हमको यहाँ पे रिवॉर्ड टू रिस्क ऑलमोस्ट 4:1 मिल गया। सो दैट्स वॉट वी प्लान यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। लेट्स सी नाउ वॉट हाउ मूवमेंट कैन मूव, हाउ प्राइस कैन मूव टूमोरो। निफ्टी में फ्रेंड्स, निफ्टी इज एट अ बिट कंफ्यूजन स्टेज फॉर मी एटलीस्ट नाउ। लेट्स से निफ्टी अभी साइडवेज रेंज भी है, कंटिन्यूसली साइडवेज है, तो आई थिंक 17,786 के बाद जजमेंट होगा। या तो एटलीस्ट ये यहीं से ऊपर आ जाए 18,300 के बाद जज होगा, या तो फिर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कल हम लोग सेम डे के लेवल से ही ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अभी आप अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा था, ओके, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ दिस जोन है, फिर ये डायरेक्टली नेक्स्ट जोन यहाँ पे है। सो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इज देयर, कहीं पे भी एंट्री ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क है। मैंने आपको कहा था 18,000 से आपको बाय करना है, बट फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनको पता है अगर हम लोग 18 एक्चुअली में आज हम लोग 18,000 पे बाय नहीं कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे ये ड्रॉप 3 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बन गया और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन तक हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मैच नहीं हो रहा था। ओके, सो इसीलिए पहले हमारा एंट्री बनता था, बट जैसे ही ये सेलिंग जोन बन गया मीन्स हमको यहाँ पे फिर 18,000 पे एंट्री नहीं लेना था। ओके, सो दैट्स वाई देर इज अ कंफ्यूजन स्टेज फॉर टाइम बींग इन निफ्टी। डायरेक्टली किसी भी ट्रेड पे जंप करना वुड बी रिस्की। इट वुड बी बेटर कि हम लोग सेम डे के लेवल्स, जो भी सेम डे के लेवल्स होते हैं वहां से हम लोग अपॉर्चुनिटीज लेंगे तो ही हमको बेस्ट ट्रेड मिल सकते हैं। अदरवाइज टाइम बींग निफ्टी में देर इज नो अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखो रैली 3 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप था, तो यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिला था। सो दिस वॉज द सेम डे लेवल। ओके, आज हमको यहाँ पे कुछ सेम डे के लेवल से भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। सो फिल सी डेट कल का कुछ लेवल होगा तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेम विद बैंक निफ्टी। नाउ बैंक निफ्टी फ्रेंड्स आप देखोगे तो प्रीवियस रेजिस्टेंस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे है और ये बॉटम ऑफ द जोन है। इट मीन्स अगर बैंक निफ्टी को ऊपर आना है तो यहीं से ऊपर आना है। 38,155 के नीचे स्टॉप लॉस है, काफी स्मॉल रिस्क है, डायरेक्टली यहां से बाइंग पॉसिबल है, बट अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन हो गया तो नहीं। फ्लैट ओपन होके यहाँ से रिएक्ट करना स्टार्ट करे फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट 38,445 तक आएगा। ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा फ्लैट ओपन होके बैंक निफ्टी अगर अपसाइड कंटिन्यू करता है तो 38,440 तक आएगा, और नहीं तो हम लोग फिर सेम डे के लेवल से ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो एक दो दिन थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी कंफ्यूजन है, बट लॉट्स ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज आर देयर। लेट्स डिस्कस व्हाट आर दीज। अदानी पोर्ट्स में मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। अभी ये देखो ब्रेकडाउन का ट्रेड हुआ है। ओके, अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम, ऑल रूल्स आर मैचिंग एज ऑफ नाउ, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 716 के पहले एग्जिट होना है। कोटक बैंक में फ्रेंड्स 10 मिनट्स का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन से इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, यहां से हम लोग ब्रेकडाउन का ट्रेड ले सकते हैं, बट हमको ये ट्रेड से 2063 के पहले एग्जिट होना है। बजाज फिनसर्व में भी अगेन देर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस 75 मिनट्स, नो इट्स 10 मिनट्स, 10 मिनट्स ट्रेंड लाइन से ये ब्रेकडाउन हो सकता है। ओके, ये ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, बट ये ट्रेड से भी हमको 17,700 के पहले ही एग्जिट होना है।
ब्रिटानिया, ब्रिटानिया में भी देर इज एन अपॉर्चुनिटी, अगेन स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, 75 मिनट्स का ट्रेंड लाइन है, काफी स्ट्रॉन्ग बेटर ट्रेंड लाइन। ओके नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ब्रिटानिया वुड बी बेटर, ब्रिटानिया बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा अगर ये यहां से 3600 एंड 3620 के आसपास आता है और फिर यहां से रिएक्शन देता है, ये ब्रेकआउट देता है तो। ओके इट मींस 2-3 डेज के बाद जो यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आएगा, और बट ये ट्रेड से भी हमको 3860 के पहले एग्जिट होना है, 3870 के पहले हमको ये ट्रेड से एग्जिट होना है। कोल इंडिया, कोल इंडिया में भी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, सो दिस इफ यू कैन सी क्लियरली ट्रेंड लाइन, एंड कोल इंडिया वन साइडेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है कल से फ्रेंड्स। ओके इट इज गोइंग टू बी अ पावरफुल ब्रेकआउट, एंड थोड़ा सा प्राइस हॉल्ट होके अगर ऊपर आएगा तो बहुत ज्यादा बेटर है, 172 के पहले ट्रेड से एग्जिट होना है, सो 158 से लेके 172 तक मूव कर सकता है कोल इंडिया अगले 2-3 दिन में। ग्रासिम, सो अगेन ग्रासिम में भी फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम दिस डेली टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग जोन, बिकॉज इफ यू विल सी दिस इज रैली बेस्ड, रैली स्ट्रॉन्ग जोन है, यहां से हम लोग बाइंग कर सकते हैं 1798 से, 1780 के नीचे स्टॉप लॉस है। ग्रासिम अगेन स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। एचडीएफसी बैंक फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक को अगर ऊपर आना है तो यहीं से ऊपर आना है। ओके इसका स्टॉप लॉस 1528 के नीचे है एंड इट कैन इजिली कम टिल 1590, तो हम लोग या तो डायरेक्टली यहां से ट्रेड ले सकते हैं 1540, या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से ट्रेड ले सकते हैं, 75 मिनट्स का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, बट यहां से भी हमको 1590 के पहले एग्जिट होना है। एचडीएफसी लाइफ लास्ट ट्रेड्स, एचडीएफसी लाइफ में फ्रेंड्स 15 मिनट्स का ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, कल फर्स्ट 1 आवर के अंदर ही अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो ही हमको ट्रेड मिलेगा, बिकॉज 1 आवर के बाद तक भी अगर प्राइस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर रही तो फिर ये साइडवेज जा सकता है। ओके सो इसीलिए फर्स्ट 1 आवर में अगर ये एचडीएफसी लाइफ कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है ट्रायंगल पैटर्न का तो हमको लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। अगर शॉर्ट का ट्रेड होगा तो 704 के पहले निकलना है, और अगर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 727 के पहले निकलना है। ओके सो दीज आर द स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज फॉर टुमारो, यू कैन डेफिनेटली टेक दीज अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।